नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के अनदर एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 111 यानी 111 नंबर के एपिसोड के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में एपिसोड नंबर 112 के सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको इसका जवाब जरूर से मिलेगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल अपनी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि सार्वजनिक हैं, यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। मृत्युंजय जी मुझसे सवाल करते हैं। ये कहते हैं, प्रणाम गौरव जी, प्रणाम मृत्युंजय जी। बहुत से पंडित जी लोग 1 से 9 के बीच की संख्या पूछकर और नाम राशि से कुंडली बनाकर प्रेडिक्शन करते हैं। इस विधि से कितना सटीक जानकारी मिलती है? उनका कहना है कि जन्म कुंडली केवल विवाह के समय देखनी चाहिए बस, और व्यक्ति का नाम सर्व प्रचलित होता है इसलिए नाम राशि की कुंडली ही बनाना चाहिए। मृत्युंजय जी, मुझे नहीं पता ऐसे महात्मा आपको कहाँ मिलते हैं। मैं यही बोल पाऊंगा उनके लिए, क्योंकि यदि ज्योतिष को इतना ही आसान कर दिया गया तो क्यों हमारे जो विद्वान ज्योतिष हैं ये लोग दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तविशांश कुंडली, नक्षत्र, नक्षत्रों के चरण और ये सब में क्यों इतना दिमाग खपाते हैं? भाई बहुत आसान था ना, 1 से 9 की संख्या हो गई, आपका नाम क्या है पूछ लिया और उस राशि को जान करके प्रेडिक्शन दे दिया। इतना ही आसान होता तो इतने परेशान क्यों होते हैं? अरे मैं ही क्यों PhD कर लेता ज्योतिष में, बहुत ही आसान सी तो बात आपने कह दी। तो ऐसा नहीं होता है मृत्युंजय जी, इतनी आसानी से बता दिया जाता तो इतना गहन विश्लेषण ये सब नहीं हो पाता। ज्योतिष शास्त्र एक महासागर है, बहुत वृहद है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस महासागर में पूरी तरह से घूम पाता होगा। पूरे अपने जीवन की बात मैं कर रहा हूँ, ये पूरे जीवन भर हम ज्योतिष सीखते ही रहते हैं, आप ये समझ के रखिए। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये केवल वो ही बता सकता है जिसे ज्योतिष के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, चंद्र राशि के आधार पर प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं, मैं खुद राशिफल बनाता हूँ, लेकिन वो राशिफल जो होते हैं मैं हमेशा कहता हूँ सार्वजनिक स्तर पर हैं, किसी एक के लिए वो नहीं बताया जा सकता। अनिशा कर जी मुझसे कहती है, सर आप पिछले एपिसोड में मेरा सवाल नहीं लिया तो फिर पूछना पड़ा। अच्छा अनिशा जी, अगर महादशा किसी मारक ग्रह की हो तो उसका दान उसके दिन के अलावा कोई और दिन भी किया जा सकता है क्या, प्लीज़ बताइए। अनिशा जी, शायद ये सवाल आपका रह गया हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह रही हैं तो मान लेता हूँ, हो सकता है रह गया होगा। देखिए, कोई भी मारक ग्रह यदि उसका दान आपको करना है तो ऑब्वियसली उसका यदि दिन हो तो उस दिन करना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि शनिदेव किसी कुंडली में खराब है तो मैं कहता हूँ भाई काला नीला जो कलर है उससे आप सामान्यतः अपने जीवन में बच के रहिए, लेकिन स्पेशली शनिवार के दिन आप उसका इस्तेमाल ना करें। अब मैं बच के रहिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि किसी भी कलर को आपके जीवन से निकाला नहीं जा सकता, है ना, लेकिन उसी के दिन से शनिवार के दिन शनिदेव का जो कलर है उसका दान किया जाए, उनके लिए उपाय किए जाए तो ज्यादा प्रभावकारी साबित होते हैं। तो आप रोज भी कर सकते हैं लेकिन स्पेशल उस दिन करते हैं तो ज्यादा उसका असर आपको देखने को मिलता है। पूर्णिमा गांधी जी मुझसे कहते हैं, जय श्री कृष्ण गौरव जी, जय श्री कृष्ण पूर्णिमा जी। स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में सूर्य चंद्र युति 11th हाउस में हो तो मोती पहनने से 11th हाउस के क्या फल मिलेंगे? 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है तो सब इच्छा पूरी होती है, और 5th हाउस में संतान रिलेटेड क्या फल मिलते हैं प्लीज समझाइए। पूर्णिमा जी देखो, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह 11th हाउस में बैठा हुआ है या फिर 11th हाउस का लॉर्ड है तो उसका रत्न पहन लिया जाए तो उसके फल मिलने लग जाएंगे, तो बहुत आसान सी बात हो गई। मतलब इसके लिए आपको ज्योतिष के पास भी फिर जाने की जरूरत नहीं होगी, आप कुंडली में देख लीजिए। आपको यदि शादी करना है तो 7th हाउस का जो रत्न हो, 7th हाउस के जो स्वामी उनका रत्न पहन लीजिए। आपको भाग्य बढ़ाना हो तो 9th हाउस के जो स्वामी उसका रत्न पहन लीजिए। आपको यदि आय बढ़ाना हो, धन बढ़ाना हो तो 11th और 2nd हाउस के स्वामियों का रत्न पहन लीजिए, है ना। किसी को संतान जीवन भर नहीं हो रही है, बहुत समय लग रहा है तो 5th हाउस के लॉर्ड का रत्न पहना दिया संतान हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि रत्न पहनने की एक अलग विधि होती है, यदि आप इसे विस्तृत तौर पर जानना चाहते हैं तो एक वीडियो आपको मेरा मिलेगा, वो वीडियो का नाम है रत्न कब और क्यों, है ना, और रत्न पहनने की विधि है, 2 वीडियोस मैंने बना करके रखे हैं, उसमें जाकर के आप समझ सकते हैं।
खैर आपसे मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आपने कहा स्कॉर्पियो असेंडेंट है ना, स्कॉर्पियो लग्न मतलब कि वृश्चिक लग्न की कुंडली यहाँ पर बन के सामने आती है। आप जो हैं वो इस कुंडली में, चूंकि आप कह रहे हैं सूर्य और चंद्र का युति है और सूर्य कहीं, माफी चाहूंगा, चंद्र कहीं सूर्य से अस्त नहीं है, तो आपको रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्र यदि बली है तो भी आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन चंद्र यदि अस्त है तो जरूर से आप इनका रत्न पहन सकते हैं। अभिनव हल्दर जी मुझसे कहते हैं, सर इफ सन प्लेस्ड इन ऑन साइन बट इन केतुज नक्षत्र एंड केतु प्लेस्ड इन एट हाउस तो क्या सन बुरे फल देंगे? नहीं जी अभिनव जी, यदि सूर्य कुंडली में खुद की राशि में बैठे हैं लेकिन कुंडली के लिए योग कारक भी ग्रह हैं, अच्छे भी ग्रह हैं, तो हमेशा अच्छे ही फल देंगे, भले ही खराब किसी शत्रु नक्षत्र में बैठे हों। तो मिश्री कंवर जी मुझसे कहते हैं, उन्मेद सिंह सोढ़ा, अच्छा आपका नाम उन्मेद सिंह सोढ़ा है, आपका जो अकाउंट है वो मिश्री कंवर के नाम से है। उन्मेद सिंह सोढ़ा का गौरव जी को सादर प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम उन्मेद सिंह जी। श्रीमान जी मेरा ये प्रश्न है कि धनु लग्न की कुंडली में यदि लग्न में ही सूर्य केतु और शुक्र बैठे हों तो क्या यह पितृदोष बनेगा? सूर्य केतु को सामान्यतः कहीं बैठा हुआ देखते हैं तो पितृदोष का नाम दे दिया जाता है, इवन सूर्य राहु को भी बैठा हुआ देखते हैं तो पितृदोष का नाम दे दिया जाता है। मैं पितृदोष में उतना ज्यादा विश्वास नहीं रखता, हाँ ग्रहण दोष जरूर से बनता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि सूर्य और केतु के बीच में दूरी कितनी है, डिग्री वाइज दूरी कितनी है। यदि सूर्य का डिग्री 1 है, केतु का डिग्री 29 है, तो कोई ग्रहण योग नहीं बनेगा, कोई पितृदोष नहीं बनेगा। कम से कम इनका डिग्री 6, 7, 8 डिग्री के भीतर भीतर यदि ये हैं, थोड़ा उदाहरण के तौर पर सूर्यदेव 11 डिग्री में है, केतु जो है वो 13 डिग्री में है, तो जरूर से ग्रहण योग यहाँ पर निर्मित होता है और ये खराब जरूर से होता है। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप उपाय करें। सिद्धार्थ कुमार जी मुझसे कहते हैं, कितनी बार बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे 1,00,000, 1,25,000 इत्यादि? देखो सिद्धार्थ जी, ऐसा है कि हर ग्रह के बीज मंत्र का अलग अलग जाप बताया गया है और कलयुग के अनुसार 4 गुना उसे करना चाहिए, तो जितना बताया गया उसे 4 गुना करना चाहिए, एक अलग एक शास्त्र है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि वो जो 1,25,000 या वो सब जो करते हैं वो सारे संकल्प विधि के माध्यम से करते हैं, संकल्प लेकर के करते हैं, मंत्रोच्चार करके करते हैं, कर्मकांड विधि के माध्यम से करते हैं। आपको यदि वैसे करना है तो आपको पंडित बनना पड़ेगा, आपको ज्योतिष बनना पड़ेगा, आपको विद्वान बनना पड़ेगा, आपको धर्म की, आपको कर्मकांड की जो शिक्षा लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप खुद करना चाहते हैं, अपने ही शांति, अपने ही उपाय, तो रोज एक एक माला का जाप कर लीजिए, किसी भी बीज मंत्र का, जो भी ग्रह आपके लिए खराब है, इतना ही काफी है। शिवानी जी की मुझसे कहती हैं कि सर मेरा लग्नेश भी 8वें भाव में बैठा है और वो खराब फल ही देता है, यही अनुभव मैंने किया है। सही बात है शिवानी जी, कई लोग ये कहते हैं कि लग्नेश बहुत अच्छा ग्रह होता है, वो कहीं भी हो तो अच्छे ही फल देता है। मुझे नहीं पता वो क्या देख करके कहते हैं, कई कई जिनकी उम्र ज्यादा होती है वो लोग भी ऐसा कह जाते हैं कि लग्नेश हमेशा अच्छे फल देता है, किसी भी भाव में बैठा हो अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छे फल देगा। मेरा तो ये है कि मैं शुरू से इस बात को जानता हूं कि लग्नेश यदि कुंडली में कहीं खराब जगह पर बैठे हैं, नीच राशि बैठे हैं, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हैं, उन्होंने खराब ही फल देना है। इवन में कई कुंडलियां, दिन भर में एक कुंडली तो ऐसी आ जाती है जिनके लग्नेश खराब होते हैं और वो जो है उनकी महादशा भी चल रही होती है और उनको खराब फल देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिकली भी लग्नेश यदि कहीं खराब बैठे हैं तो खराब ही फल वो देते हैं, कभी अच्छे फल नहीं देते। देवा स्टार जी मुझसे पूछते हैं, कमजोर शनि 29 या 0 डिग्री के लिए क्या करना चाहिए? देवा जी, कमजोर शनि जो है, पहले तो ये बताइए कि कुंडली के लिए योग कारक या मारक। यदि योग कारक है तो उनका रत्न पहन लीजिए, कुंडली में कहीं अच्छे बैठे हैं, अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो उनका रत्न पहन लीजिए, और यदि कहीं मारक है, यदि खराब फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो कुछ भी मत कीजिए, वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि 0 डिग्री है, 29 डिग्री मतलब उनके पास बल की कमी है, प्रभु का आशीर्वाद समझिए और वैसे ही उन्हें रहने दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने सवालों को लिया है, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।